नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसर्ट फ्लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों। आप मुझसे बांसुरी परचेज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं, वेल ट्यून बांसुरियाँ और कम कीमत में। काफ़ी दोस्तों की रिक्वायरमेंट आती है कि वो लोग बड़ी बांसुरी जो ई बेस की बांसुरी है वो जल्दी से बजा नहीं पाते हैं, और एकदम लोवेस्ट गैप करने के बाद भी उन लोगों की दिक्कतें मिटती नहीं है। उनकी हमेशा एक ही दिक्कत होती है, ये दोनों छेद पे उंगलियां नहीं बैठ पाती, ये दोनों होल पे, क्योंकि होल का डिस्टेंस इतना होता है। जब ई बेस की बांसुरी बजाएंगे यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। इसकी दूरी लगभग 5 और 6 होल के बीच की, इन दोनों होल के जो बीच की दूरी का गैप होता है ना, ये होता है लगभग सेंटर टू सेंटर 5.8 mm, 5 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, मतलब लगभग 6 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम होता है। जनरली किसी ब्रांड की बात से अगर आपका है तो आप उसका सेंटर टू सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों के सेंटर से आप अगर मेजरमेंट करेंगे तो 5.7 या 8, उसका 5 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, किसी किसी में 9 मिलीमीटर भी होता है, और किसी में पूरा 6, किसी किसी ब्रांड की जो बांसुरी होती है उसका जो ये गैप है ये लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अब बहुत सारे लोग हैं वो नहीं बजा पाते हैं, उनकी पूरी कोशिश उन्होंने करके देख ली ई बेस की बांसुरी। जनरली दिक्कत आती है सीनियर सिटीजन्स जो 60+ हो गए हैं, 65+ हो गए हैं, तो उनकी जो उंगलियां स्ट्रेच नहीं हो पाती हैं, बड़ी समस्या होती है। बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हम लोग नहीं बजा पाते हैं, बहुत कोशिश कर ली लेकिन उनको चाहिए ई बेस की बांसुरी लेकिन उंगलियां नहीं पहुंचना सबसे बड़ी दिक्कत थी। अभी रात को अभी 11:30 बजे हैं, 11:45 बजे होंगे, तो इस समय तक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। बहुत सारे कस्टमर के मैसेज आते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, फिर भी आज कुछ समय निकाल के मैंने ये एक बांसुरी तैयार की है आप सबके लिए। इसका फिंगरिंग जो गैप है वो मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये मेरे हाथ में स्केल है और ये मैंने इसको 0 पे पकड़ लिया है, तो ऊपर से जो पहला और दूसरा होल है इसका सेंटर टू सेंटर जो गैप है, आपको हो सकता है नज़र नहीं आए लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो 4 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर का ये गैप है सेंटर टू सेंटर, और दूसरे होल से जो तीसरे होल का जो गैप है ये भी लगभग 4.4 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, मतलब 4.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है इसका पहले और दूसरे होल का जो गैप है आपस में। और ये 4 और 5 होल के जो बीच की दूरी है 3.2 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर इसका गैप है सेंटर से सेंटर, और 4 और 5 जो होल है इसमें सेंटर टू सेंटर जो गैप है यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर पूरा हो रहा है और इसका गैप जो है उससे ही पहले लगभग 4.8, 4 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, इसको 4.8 जी हाँ 4.7 या 4.8, 4.7 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 8 मिलीमीटर इसके आसपास का इसमें गैप है। और इसके अलावा एक चीज़ और कर दी है मैंने, ये आप होल जो देख सकते हैं इसका, ये होल का गैप जनरली होता है इतनी दूर पर, यहाँ पर होता है, यहाँ पर छोटी वाली उंगली नहीं पहुँच सकती। काफ़ी लोगों को ये भी चाहिए कि ई बेस की बांसुरी हो और जो ये वाला होल है ये हम उंगली से कवर कर लें, ये तीव्र माँ के लिए होता है, जब आप इसको पुश करेंगे तो तीव्र माँ स्वर बजेगा। एक बार मैं कोशिश करता हूँ, ये राइट हैंड की बांसुरी है और मैं लेफ्टी हूँ, फिर भी ट्राई करता हूँ। ये मैंने होल को कवर कर लिया है
और तो आप देख सकते हैं मैंने आराम से, मैं हालांकि लेफ्टी हूं लेकिन मैंने इस बांसुरी को के सारे होल भी कवर कर लिए हैं और लास्ट में ये वाला छेद भी कवर करके और छोटी उंगली से, और मैंने इसका जो तीव्र मा जो स्वर निकल के आता है वो भी इसे निकाल लिया है। तो ये होल का जो जो दूरी है वो भी मैंने कम कर दी है इससे छोटी वाली उंगली से। जैसे राग यमन के अंदर मेरे ख्याल से इसका उपयोग होता है, तो जैसे तो ये जो गाना है वैसे बेसिकली ये जो माँ और पा की जो ये गैप की दूरी थी ये मैंने कम कर दी है यहाँ से। तो फिंगर एडजस्टमेंट भी कर दी है इस बांसुरी में, काफ़ी शॉर्ट फिंगर के लिए है। मैं तो फिंगर टिप्स ही बजा सकता हूँ इसको, आप देख सकते हैं ये। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी उंगलियां छोटी हैं और आपको ई बेस की बांसुरी बनानी बजानी है तो मुझे नहीं लगता आज की तारीख में कोई फ्लूट मेकर आपको इन होल की जो दूर बीच की जो दूरी है वो इतनी कम करके कोई दे पाएंगे। और होल का साइज भी स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि होल को या तो बिल्कुल छोटा कर दिया है या बिल्कुल बड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं ये जनरली एक जो बांसुरी में होल का साइज होना चाहिए वही है, करीबन 10 मिलीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर की गोलाई है इसकी। इसका जो डायमीटर है 10 mm, जिसमें आराम से कोमल सोरी बजेंगे। आराम से कोमल स्वर बजेंगे और शुद्ध स्वर तो बजेंगे ही। उसकी मैं एक बार ट्यूनिंग आपको सुना देता हूँ बांसुरी की। मंदर सप्तक से लेकर और तार सप्तक के स्वर आसानी से बजेंगे बिना किसी दिक्कत के। इस तरह की बांसुरी आप परचेज कर सकते हैं। इसकी लंबाई मैंने कम कर दी है, इसकी लंबाई लगभग 29 इंच लगभग इसकी लंबाई है, इसमें सारे होल होने के बावजूद। ज़्यादातर क्या होता है कि ये वाला छेद नहीं होता तो लंबाई कम होती है, और इसको अभी इतना और छोटा अभी मैं करूँगा बांसुरी को, तो इसकी लंबाई लगभग 28.5 इंच के आसपास आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप, जनरली ई बेस की जो लंबाई होती है वो मैं देखता हूँ कौन सी बांसुरी है। ये एक स्टैंडर्ड ई बेस की बांसुरी है जो मेरे द्वारा ही बनाई गई है। इसमें आप ये जरा होल का जो गैप का ये जो है आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर के 3 छेद आप देख सकते हैं इसमें कितना गैप कम कर दिया है। यहाँ आप देखिए आप ये रहा, और नीचे के जो 3 होल है उसमें भी आप देखिए, ये चौथा छेद, ये पांचवा और छठा देखिए छेद, ये कहाँ आ रहा है और इसमें कितना
कितना आ रहा है ये देखिए, अगर आप सही से देख पा रहे हैं तो लगभग इसके अंदर 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर का गैप का फर्क है दोनों बांसुरी के अंदर। देखिए ये वाला होल तो बराबर है, देखिए ये वाला होल हमने इसका थोड़ा नीचे ले लिया है, इसमें ऊपर है और इससे इसकी दूरी बढ़ गई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसमें और लंबाई भी आप देखिए, ये इतनी लंबाई कम हो गई, लगभग आधा इंच तो यहाँ से कम हो जाएगी और ऊपर से भी जब इसको कटेगी तो लंबाई इतनी कम हो जाएगी, लगभग 1.5 इंच लंबाई, 30 इंच की बांसुरी होती है तो लगभग 28.5 इंच रह जाएगी। हालांकि ये बांसुरी वेल ट्यून है, देखिए ये वेल ट्यून बांसुरी है और ये भी वेल ट्यून बांसुरी है। तो ये जो बांसुरी है इसकी कॉस्ट है 3,000 रुपये, साथ में एक कवर भी आएगा और इंक्लूडिंग कोरियर भी आएगा। इस तरह की बांसुरी भी आप अपने हिसाब से, अगर आपको इस बांसुरी की ही रिक्वायरमेंट है, आप ई बेस की बांसुरी बिल्कुल भी अगर नहीं बजा सकते तो ही आपको इस तरह की बांसुरी लेनी चाहिए, अदरवाइज मैं सबको ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। अदरवाइज ये नॉर्मल जो बैम्बू की बांसुरी होती है जिसका एक नॉर्मल गैप होता है, मेरी बांसुरी का जो ये गैप है 5.7 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, ये जनरली जो मैं बनाता हूँ, एक बार चेक भी कर लेता हूँ, ये है 5.5, सॉरी ये भी हालांकि कस्टमाइज बनानी हमने शुरू कर दी है, पहले 5.8 हुआ करता था ये, अब ये 5.5 है, 5 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर है ये गैप, और इस बांसुरी में जो गैप कर दिया है वो 5 सेंटीमीटर से भी 2 मिलीमीटर कम है इस बांसुरी का गैप। और अगर आपको ये चाहिए कि आपको ये वाला होल की जरूरत नहीं है, छोटी उंगली से नहीं बजाना, तो हम इसको फिर वापस नीचे भी सरका सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं, थाइस से उसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो बेसिकली ये वाला होल तब ऊपर किया जाता है जब आपको ये जो छोटी उंगली से आपको इस स्वर बजाना है, आप तो ही इस तरह की बांसुरी यहाँ पर छेद करवाइए, अदरवाइज थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है तो उसमें जो पा का जो गहरा साउंड आता है, जैसे दिखा भी देता हूँ आपको दोनों में, ये जो बांसुरी है इसमें ये होल का गैप नीचे ही है, काफ़ी दूर ही है, देख लीजिए आप, इस पर उंगली पहुँचना संभव नहीं है, ये देखिए बहुत दूरी है ये, अगर मैं बांस उंगली को खींच भी लेता हूँ तो भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, और इसका साउंड देखिए जबकि ये जो बांसुरी है इसमें इतना गहरा साउंड नहीं आ सकता मंदर स्वर का, क्योंकि ये होला होल जो है ये काफ़ी ऊपर आ गया है और इसका साइज आप देख सकते हैं बहुत छोटा हो गया है, तो उतनी गहराई का साउंड इसमें नहीं आता, ये एक फैक्ट बात है जो आप लोगों की जानकारी के लिए होनी चाहिए। देखिए इसका साउंड, ये उतना डीपली साउंड नहीं है, अगर ये वाला होल मैंने और नीचे कर दिया होता, थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो इसका साउंड और अच्छा होता, उसकी आवाज़ जो अच्छी होती जैसे इसकी गूंजी शंख जैसी, तो ये वाला होल स्पेशली उसी कंडीशन में करते हैं बेसिकली। अगर आपको इस होल की रिक्वायरमेंट छोटी उंगली से बजाने की है तो अदरवाइज वो नीचे करवा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर साउंड करेगा मेरे हिसाब से, बजाय इसके जैसे ये बांसी बनी है जो एक्सपेरिमेंट हमने करा है, इसको और नीचे शिफ्ट करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा उसमें साउंड आएगा, फिंगरिंग गैप जो है वो सेम रहेगा ये वाला।
तो दोबारा से अगर बजाता हूँ बांसुरी, इस तरह की बांसुरी आप अपने हिसाब से आपको जैसी बनवानी है, होल कम करके, ये वाला होल शिफ्ट करके, तो आपके अनुसार बन सकती है। कॉस्टिंग होगी इसकी 3,000 रुपये विद कवर और इंक्लूडिंग कोरियर। अगर आपको कवर नहीं चाहिए तो उसके 400 रुपये कम हो जाएगी। ख़रीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।